बीच ढलवानी बैंक इतनी गर्मी मर गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे करेक्ट 5। मुझे आज जाना था ना, तब मैं जल्दी उठ गया। मैं तो वहां दो तारा लेट होगी, मेरे को कितना मस्त बैकग्राउंड मिल रहा भयंकर। तो तुम्हारा भाई नहा धो के ऑल सेट होके यहाँ पे को आ गया है। हाँ, मैं मेरी पहली बार कहीं जाने से पहले मतलब मैगी और बॉर्नविटा दूध पिया। ये तो मैं जब भी कहीं भी जाता था ना आने के घर तो नहीं पीता था। मेरे अंकल कुत्ते के साथ आ रहे, मैंने कहा बाघ आ गया आज हेवन में। आज हेवन हेवन जैसा लग रहा है, वैसे थोड़ा नहीं होता भयंकर। जब हेवन स्वर्ग वर्ग में जाते हैं तो नीचे धुआं आता है, वैसे ही आ रहा ओक। बकरी यार, मैं तो कुत्ता भी नहीं है, तो भयंकर नहीं लग रहा है हेवन हेवन जैसा। नीचे नदी के पास चलते हैं। और 8 बजे की बस है और 6:43 हो गया, तो मेरे मम्मी तो अंदर घर में जा रहा है, रो रही है छोटी मम्मी। और सबसे बड़ी बात, गोलू जा रहा है हमारे साथ वही बस में, भयंकर काफी चैलेंजिंग भरा होगा। अरे तो एक तो ऐसी गर्मी के टाइम में भीड़ बहुत होती है बस में, क्या करें, ले जाना तो पड़ेगा उसको, फिर उसको नानी के घर छोड़ के आ जाएंगे जब वापस आएंगे तो वही। कल से मुझको ऐसे एक सब देखने नहीं मिलेगा, घर उठते गर्मी गर्मी गंद छती छत दूसरों की भयंकर। अच्छी यार, प्लेन्स में कैसे रह सकते हैं भाई लोग पहाड़ छोड़ के, मुझे ये समझ नहीं आता यार। यहाँ देखो ये भयंकर फुल फ्रेश एयर, कितनी चीज़ें यहाँ भाई, बट प्लेन्स में वो है क्या कहते हैं उसको, फैसिलिटीज और कुछ नहीं है। फिलहाल मैं 5 मिनट बैठता हूँ फिर घर को निकल लूँगा, मम्मी को कार्ड भी तो बांधने लग जाते हैं मेरा भाई। यार ओल्ड सॉन्ग और ये ओल्ड जगह मेरी बड़ी अच्छी है कसम से। मैंने अभी 2 बच्चे देख दिए आज, जो नित्य नीचे से ऊपर स्कूल बंद आ रहे थे भयंकर। उनको तो क्या आदत होगी होगी, कितनों को तो जैसे जितना मैं जाता हूँ उतना ही बहुत लगता होगा, बट सबको अपना अपना हिसाब होता है, समझ जाओगे। ये है क्या? हमारी बस ये है, फिर अभी तो मैं अल्मोड़ा के रोडवेज में ही हूँ, आगे से दिखाऊंगा हमारी बस। इसका सही यार ऐसे क्यों तो? ऐसे नींद लग रही है ना, इसके सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैं हिल रहा हूँ तो ये पता नहीं उधर उधर को घूम जा रहा है भयंकर, कभी बाहर ही कूद जा रहा है भयंकर। अरे यार भाई, डॉग के साथ कभी ट्रैवल मत करना, और ड्रॉप बस में तो कभी भी मत ही करना, पागल हो जाओ। मैं यहाँ गया इसके साथ, मैं दर्द हो गया यार इसको भयंकर, गोदी में बैठा है बेटा अच्छी भयंकर। बट यार अच्छा तो यार भौंक नहीं रहा था, वैसे घर में भी नहीं भौंकता है। आप चलो मुझे खाना खाने दो, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की। रख
इतने इतने दाल टपका है ना मेरे हाथों में पैरों में महंगे पहाड़ के धारे देखो भाई गोलू के लिए पानी भी तो ले जाना पड़ता है अभी ये कभी रुकता ही नहीं है भाई नॉन स्टॉप 24/7 आते ही रहेगा पानी रुकेगा ही नहीं और यहाँ हर मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों में तो खोल गया ना आहा भाई मेरे कान आग सबसे धुआं निकल रहा इतनी गर्मी क्यों मुझे तो ये भी गर्म अबे यार क्या दिखा दिया महंगे भाई मैं पक्का जितना काला पट्टे तो था ही अल्ट्रा प्रोमैक्स और जाऊंगा काशीपुर जाके भाई अच्छी यार इतनी गर्मी में क्यों आया मैं दिमाग खराब हो रहा मम्मी पापा छोड़ जा रहा मुड़ा प्लीज यार मत कर दे दो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कभी मत आना भाई जून जुलाई अगस्त गर्मियों में तो आने ही मत प्लेन से साइड में कह रहा हूँ अगर आप पहाड़ वाले हो जिसको आदत मेरे को थोड़ी थोड़ी आदत भी है भाई जिसको आदत ही नहीं होगी वो क्या करेगा तो बेचारा मर जाएगा इसे थोड़ी अच्छी किस्मत ये है कि मुझे फ्रंट सीट मिल गई शुरू से ही खाली थी अभी हाँ गोलू बैठा था उसने अलग दिमाग खराब कर दिया अब मम्मी के साथ बैठे मम्मी का दिमाग खराब करो बैठता ही नहीं है भाई घूमने में लगाया भयंकर हाँ क्या ही कह रहे हैं हम छोड़ो सफ़र का मज़ा तो आ नहीं रहा बट हम लेने की कोशिश करेंगे ओ या एक्सीडेंट भी हुआ था जब मैं स्कूटी चला रहा था इस जगह पे कैसे हुआ घर जाके बताऊं चलो छोड़ो अभी तो आवाज भी नहीं आ रही हुई रामनगर भयंकर देखो पूरा खाली है रोडवेज है रामनगर का और एक कुत्ता भी है भयंकर एक दो पाल भी तो रखा उसको वॉशरूम कराने लाऊंगा मैं भाई कुछ तो कर ले दो बार उतार दिया कुछ नहीं कर रहा यहाँ से काशीपुर 27 किलोमीटर दूर है बस फिर रीच नानी के घर फिर वहां तो नहा के सो जाऊंगा भाई यार यार मुझे नहीं जाना था यार कसम से यार
ऐसे नहीं कि नानी से मिलने का मन नहीं है भाई, सबसे मिलने का मन है। बेटे मेरी बस से लेके आओ। अब भैया कुछ कर तो नहीं रहा वैसे भी तू, आज जलजीरा पिया गया, चल छोड़ रहा लेटेड भी ठंडा होगा भैया। घर को आ तो ठंडा पियो भैया, पुदीने का ठंडा, नींबू का पियो भैया, नींबू वाला आ गया भैया, पुदीने का ठंडा आ गया भैया, झटपट झटपट होगा भैया पुदीने का, झटपट झटपट। जल्दी रखो पानी पी लो गाइस, पसीना देख रहा मुझे। ओए गिराना मत। अबे यार वो केटीएम वाला निकल गया भाई, अभी जूम कर क्या। अभी देखते तो हंस के मर जाते ना वे। मजाक का उड़ा रहे हो, हम तो राम भक्त हैं, भूल गए क्या वो तो बता जो भी कह रही थी तू। अबे जो बड़ी सी मूर्ति नहीं आई थी यहाँ पे को, तूने क्या बोला था उसको देख के? बट आई क्या बोलते हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, तूना मत मान। यहाँ पे फ्लाईओवर 10 साल से बन ही रहा है भाई, कब खत्म होगा? कितना कंस्ट्रक्शन करोगे भाई, कितना लिखोगे वर्क इन प्रोग्रेस? भाई रुक जाओ भाई, जल्दी बना लो यार, इंडिया की टेक्नोलॉजी कम है थोड़ी सी भाई, जाके जापान से सीख के आओ ना। जापान था क्या था वो जो 6 महीने में इतनी जल्दी बिल्डिंग बना देते हैं? जापान। सॉरी ब्रो, मैं थोड़ा सा अंग्रेज भी हूँ विवेकानंद वाला। ओ बेटा झंड तो मत मार मेरी, झंड तो मत मार। ओके भाई, रीच डोम गाइस। यार आगे मैं कूलर के बैठा हूँ, तुम्हारा भाई आते ही नहा लिया, मेरे घर वाले चिल्ला रहे, मैं घर आते ही नहा लिया, मुझे बहुत भूख लग रही है। जब मेरा खाना आएगा तब मिलते हैं, पहले दाल भात खाता हूँ। 4 बज गया, मैं 8 बजे से निकले थे घर में, अब देख लो। ओफ यार मेरी नानी में छपरी समझ दी होगी ना, अभी देखा नहीं अच्छे से बाल मेरे। अपन का दाल भात आ चुका है, मैं देखो अपनी फेवरेट जगह में हूँ जहाँ कुछ को भी हैंग करे, तो मैंने कहा वो है बंद तो खुली थी, जहाँ ये कुत्ते होते थे हमेशा बंद हुए, इनको भी खाना देते हैं। हेलो डॉगी, याद है हम यहाँ पुल में गए थे जब मैंने कहा था कि बेटा यहाँ के खेत देखो इतने मस्त लग रहे, पहले इसके लिए कुछ बिस्किट लाते हैं, फिर कहो कि बिस्किट के लिए तो डॉगी के लिए वो है, बट फिलहाल के लिए आते हैं, कल से रोटी ले आऊँगा। ओके भाई मेरा काम हो गया, अब मैं वहाँ जाता हूँ यार, एक दो स्नैप बनाने। इतना मस्त सूरज और खेत आ रहे हैं, और स्कूटी का याला दिखाऊंगा ना, वही है मजा आ जाएंगे महंगे इतने दिनों बाद। यहाँ की और कोई दिक्कत नहीं है, पहली गर्मी, दूसरा बोर। महंगे मेरी नानी लोग का घर नहीं है, मेरी नानी लोग का घर दिखाऊँ जब बन रहा था वो है। मैं चोरी भी तो करता हूँ हल्की सी ऐसे कूद काट के। याला है याला, जहाँ वो सीमेंट पड़ा है। ये हुई ना बात, ये जब भी अच्छा है। यहाँ तो मैं फुटबॉल भी खेल सकता हूँ, इतना बड़ा है। वॉलीबॉल, छोड़ी सोना को दिखा, सोना गोलू को देख लो, गोलू ले भाई। कौन कहेगा यहाँ 7:30 बज रहे हैं भयंकर, पर वो जाला रात कब होती है भाई? यहाँ भयंकर मैं सोच रहा अबंधेरा होगा, अब घर जाऊंगा, हो ही नहीं रहा। तब से मैंने ऐसे कर करके यहाँ 10-20 मार दो ना, कैसे ऐसे बीन्स निकाल दूंगा मुड़ा जाने तक, मैं तो गायब है फिलहाल। नहीं भाई अंधेरे में जो कह रहा हूँ,
जब कल आएगी कल दिखाऊंगा भाई, आती है भाई असली में, थोड़ी सी तो आती है भाई, 10% तो आती है भाई। ओ भाई मकड़ी नहीं कहते उसको। ब्लॉग एंड करना तो भूल ही गया, बैकग्राउंड म्यूजिक जो मतलब जो बोल रहे हैं उसको इग्नोर मारना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।